अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में जब गर्मियों की छुट्टियों के बाद दोबारा काम करने लंदन में मौजूद अपनी लैब में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वो जाने से पहले गंदे बर्तनों का ढेर धोना ही भूल गए, जो कि अब पूरी तरह से सड़ चुके थे। लेकिन तभी अलेक्जेंडर ने एक बर्तन पर एक अजीब तरह की सड़न को देखा। इस नई तरह की सड़न या बैक्टीरिया ने अपने आस पास मौजूद गंदगी के बैक्टीरिया स्टेफलोकोकी को खत्म कर दिया था। फिर क्या था, अलेक्जेंडर ने गंदे बर्तनों को धोने या फेंकने के बजाय उन पर खोज करनी शुरू कर दी। माइक्रोस्कोप में पेंसिल जैसा दिखने के कारण इस को पेनिसिलियम नोटेटम नाम दिया गया। अलेक्जेंडर ने अपनी खोज में पाया कि बैक्टीरिया इंसानों की बहुत सी बीमारियां जैसे निमोनिया, फीवर, गले कान के इंफेक्शन के बैक्टीरिया भी खत्म कर देता है। अलेक्जेंडर की गलती से की गई खोज अमूमन अभी तक 20 करोड़ से ज्यादा जाने बचा चुकी है। जरा सोचकर देखिए 20 करोड़ लोगों ने कैसे आपके आसपास मौजूद चीजों पर असर डाला होगा। ऐसे में इस खोज को बटरफ्लाई इफेक्ट का बहुत बड़ा उदाहरण कहा जा सकता है, यानी कि दुनिया के एक कोने में हुए छोटे से बदलाव का धीरे धीरे बढ़कर पूरी दुनिया पर उसका असर दिखना। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, नए हो तो प्रेस सब्सक्राइब एंड बेल बटन। थैंक यू दोस्तों।